नमस्कार दोस्तों, एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट में मैं मधुरा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नारियल बर्फी हम सबको बहुत पसंद आती है और आज हम इसमें लाने वाले हैं एक अलग ट्विस्ट। आज हम बनाएंगे मैंगो और कोकोनट की बर्फी। तो चलिए इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने लिया है करीबन 2 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, 1 कप मैंगो पल्प। यहाँ मैंने फ्रेश मैंगो का पल्प लिया है, आप इसके लिए कैंड मैंगो पल्प भी यूज कर सकते हैं। हमने लिया है 1 कप दूध, 1/2 कप चीनी, चीनी की मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने लिए है कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर, 1/2 कप फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा घी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक नॉनस्टिक पैन और इसमें हम ऐड कर देंगे करीबन 2 टेबलस्पून घी। घी थोड़ा गर्म हो जाए, अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। आप इसकी जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, पर फ्रेश कोकोनट का एक अलग ही स्वाद होता है। इसे हम करीबन 10 से 20 सेकंड के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। थोड़े ही समय में इसमें से एक बहुत ही फ्रेश कोकोनट की खुशबू हमें आएगी। तो इसी समय हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध। अब हम इसमें ऐड कर देंगे करीबन 1/2 कप मलाई। आप मलाई की जगह 1/2 कप मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मलाई डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इसकी वजह से कोकोनट बर्फी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इन चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैंगो पल्प। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे करीबन 1/2 कप शक्कर। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा शक्कर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखी है। तो हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बिल्कुल धीमी आंच पे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। करीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये मिश्रण अच्छे से गाढ़ा होता जा रहा है। हम इसे और 5 मिनट के लिए पकाते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, और 5 मिनट बाद इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है। इस मिश्रण का लंप फॉर्म होने तक हमें इसे पकाना है। हम इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे। तो और 5 ही मिनट में ये हमारा मिश्रण ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर और मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर देते हैं और मिश्रण को हम 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे और दूसरी तरफ एक ग्रीस की हुई प्लेट में हम इस मिश्रण को निकाल लेंगे। एक स्पैटुला की सहायता से हम इस तरह से इसे अच्छे से फैला लेंगे। बिल्कुल इवनली हमें इसे फैला लेना है। अब हम इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से बारीक चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। हल्के हाथों से इसे थोड़ा दबा देंगे। आधे घंटे में बर्फी अच्छे से सेट हो जाएगी। अपने मनपसंद आकार में हम इसे कट कर लेंगे। तो ये रही हमारी मैंगो कोकोनट बर्फी बिल्कुल तैयार। हमारी ये बर्फी बिल्कुल ही सॉफ्ट बनी है और मैंगो की वजह से इस कोकोनट बर्फी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है। तो आप ये घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट।